दोस्तों मेरे पास यहाँ पे दो अंडे हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये दोनों के दोनों एग्स सेम बर्ड्स ने ले किए हैं, तो क्या आप ये चीज को मानेंगे? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि आप बोलेंगे यार ये अंडा सफेद है, ये अंडा थोड़ा ब्राउन कलर का है, ये अंडा बड़ा है, ये अंडा छोटा है, ये इस अंडे को आप थोड़ा दबा भी पा रहे हैं, इस अंडे को तो बिल्कुल आप दबा ही नहीं सकते, ये तो यार एक कोई नॉर्मल सा आपने कोई बॉल ले लिया है और उसको अंडा बता रहे हैं। खैर ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इन दोनों एग्स को मेरे ही पैरेटलेट ने, सेम बर्ड ने ले किया हुआ है, एंड इन दोनों अंडों में ये इतना डिफरेंस है, क्यों है मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पहली बात तो गाइज, आप इस अंडे को मैंने जो है अपने बर्ड के पेट से निकाला है, मतलब मेरे बर्ड को एक बाइंडिंग हो गई थी, और एक बाइंडिंग के बाद जो ये अंडा निकला वो कुछ ऐसा दिखता है। तो इस वीडियो को आप क्लिप को देख लीजिए, और वीडियो क्लिप देखने के बाद हम आगे बात करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों और आप इस चीज को कैसे रोक सकते हैं। खैर आगे बढ़ने से पहले ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका दिल कमजोर है तो प्लीज इस वीडियो को ना देखें। एग को बाहर निकालने के लिए पहले मुझे फील करना था कि एग था कहाँ। उसके बाद मैंने इसके वेंट एरिया पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगा दिया ताकि हमें लुब्रिकेशन मिल पाए और बर्ड को ज़्यादा दर्द ना हो। उसके बाद मुझे एग को फील करना था, और एग हमेशा एक टेढ़ा जो है होता है, जब भी आप एक बर्ड के पेट को टच करते हैं तो एग कभी सीधा नहीं आता, वो टेढ़ा रहता है, एकदम वी शेप में रहता है, या आप कह सकते हैं कि वाई शेप में रहता है, एंड उसको आपको सीधा करना होता है। पहले तो थोड़ा सा पुश कर करके एंड देन उसके बाद आराम आराम से उसके पेट से निकालना होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी पेशेंस से आपको करना पड़ेगा, एंड आप उसको बिल्कुल भी आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत धीरे से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, बहुत आपको ध्यान रख के पेशेंस से काम लेना पड़ता है, तभी आप धीरे धीरे आप अंडे को फिर एक अपने प्रॉपर जगह पे ले आते हैं, सीधा करते हैं अंडे को, और उस अंडे को आप फिर बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, अंदर से आप पुश करते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जो ये बर्ड्स हैं इनके अंदर अगर ये अंडा फूट जाता है, किसी कारण से क्रैक हो जाता है, तो आपका ये बर्ड नहीं बच पाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको यू नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि आप वो अंडा आपके बर्ड के अंदर ना फोड़ दे, और इस केस में तो मैंने आपको वो अंडा दिखा ही दिया था कि जुड़ना निकला था। तो मतलब मैं हालांकि कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरे लिटरली हाथ काँप रहे हैं, एंड जो हार्ट बीट है वो एक्चुअली बढ़ जाती है, बिकॉज वेन एवर यू विल सी द रेड स्किन कमिंग आउट ऑफ द बर्ड, वो आपको फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है। देख रहे हैं आप, ये रेड स्किन से निकल रही है और ये पूरा इसके अंदर ये अंडा है, एंड नाउ मैं इस अंडे को एक्चुअली निकाल नहीं पा रहा था। रीज़न क्या था? सेम रीज़न जिसकी वजह से ये भी इस अंडे को पास नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अंडा पूरा अच्छे से फॉर्म ही नहीं हुआ था, और ये हुआ था क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिला। तो हम एक काम करते हैं, मैं भी क्या करूँगा, मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप एक काम करो, मुझे थोड़ा सा ऑयल ला के दो, कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा ला के दो, उसको मैं इसके वेंट पे लगाता, एंड देन जो है फिर इसके अंदर से मैं एग निकालने की कोशिश करता। आप देख सकते कि मैं बैठा हुआ हूँ, एंड मैं इनसे ऑयल मांग रहा हूँ, एंड उस बर्ड को ऑब्वियसली आप देख पा रहे हैं कि उसको दर्द हो रहा है, बट शी स्टिल ट्राइंग टू कोऑपरेट, और वो कर भी कह सकती है, शी न्यू कि मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, अदरवाइज़ वो बचती नहीं शाम तक। ये देखिए अभी ये अंडा जो है लास्ट में निकल गया, देख रहे हैं, और आपने देखा कि अंडे का कलर कैसा था, और मेरी फीमेल को देखिए, उसको ऐसा लग रहा है कि वो भी कितने ज़्यादा पेन में, आप देख रहे हैं उसके खुद के भी पाँव काँप रहे हैं और मेरे भी हाथ पाँव काँप रहे हैं, बिकॉज़ ये इतना ईजी नहीं है। अभी इसको मैं आराम से छोड़ देता हूँ, बट बात ये होती है गाइस, जैसे ही आप अंडा निकाल देते हैं ना, विद इन आप 15 से 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप देख लेते हैं कि आपका बर्ड काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रहा है। खैर तो भाई ये रही वो फीमेल, इसका ही जो था हमने एग निकाला था, ठीक है, इसका ही एग हमने निकाला था, एंड देख रहे हैं आप कितनी कमज़ोर सी लग रही है, देख रहे हैं। अब खैर बात ये होती है कि क्योंकि इसका एग अभी निकल गया है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है, ये अभी देख रहे काँप रही है, काँप रही है, तो बट
बट जो उसका एग हमने क्योंकि निकाल दिया है तो शी विल बी फाइन। उसकी आंखों में थोड़े से आंसू भी हैं, पता ही है आपको, जब मतलब आपके पेट के अंदर से कोई फोर्स करके अंडा निकाल रहा हो, है ना, और आपने देखा ही है कितनी छोटी सी इनकी ओपनिंग होती है, उसमें से हम एग्स को पुश करते हैं, तो कितना ही दर्द होता होगा मैं समझ सकता हूँ। मेरे खुद के हाथ कांप गए थे निकालते वक्त इसके एग को, बट आप खुद भी देख सकते हैं। देखिए इसकी 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 आंखों को देखिए, देख रहे हैं इसकी आंखें चमक रही है। इसको भी बहुत दर्द हुआ था, मैं इसका दर्द समझ पा रहा हूँ, मुझे खुद भी रोना से आ रहा है, बट खैर आई होप दैट शी विल बी फाइन। अभी इसके जो बाकी मेरे तीन एग्स हैं, मैंने आपको कहा था कि इसके इसने जो है ना तीन एग्स दिए हुए हैं, ये देखिए। तो ये तीनों एग्स मैं जो है किसी बजीज के नीचे ट्रांसफ़र कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और वापस आता हूँ उसके यहाँ पे। तो इसका मेल जो है ना बहुत बढ़िया है गाइस, बहुत ही बढ़िया है। मैं इसको देख रहा था कि सुबह से ही मैंने नोटिस कर रहा था, मुझे आज कहीं जाना भी था एक्चुअली, मैं गया नहीं। ये जो मेल है बार बार इसको निकल के इसको प्रीन कर रहा था, इसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, बट एट दी एंड जब मैंने देखा कि अब ये एग ले नहीं कर पा रही है, पॉटी भी नहीं कर पा रही है, तब जाके मैंने इसका एग निकाला। तो देखिए एग बाइंडिंग क्यों हो रही है, आप ये बोलेंगे कि तुम तो यार कैल्शियम देते ही नहीं होगे अपने बर्ड को, तो गाइज उसके लिए मेरे पास जवाब है आपके लिए। आप देख रहे हैं कैल्सिलक्स, ये कैल्सिलक्स का 150 ग्राम का कैल्शियम आता है 1600 रुपए का, ये मैंने मंगवाया है, और ये मैं करीबन 1.5 से 2 महीने से अपने बर्ड्स को दे रहा हूँ उन्हें रेगुलर बेसिस। पानी में भी देता हूँ और सॉफ्ट फूड में भी देता हूँ। यार आप ये बोलेंगे कि भाई ये देखो इतना बड़ा तो अंडा पास कर दिया, अब ये इतना छोटा सा अंडा क्यों नहीं पास कर पाई आपकी बर्ड। मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप देख रहे हैं इसका जो शेल है ना बहुत हार्ड है, इसको मैं दबा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसका जो शेल है ना बहुत सॉफ्ट है, इसको मैं दबा सकता हूँ, और ये अच्छे से फॉर्म भी नहीं हुआ है। फुल फॉर्म एग्स ऐसा दिखता है, अच्छे से फॉर्म हुआ हुआ एग ऐसा दिखता है, आप देख लीजिए, और जो अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ होता एग वो ऐसा दिखता है, ठीक है। देख रहे हैं इसका कलर कैसा है, ब्राउन सा है, ये दब रहा है। तो अगर आपके बर्ड के पेट में ये वाला फुल फॉर्म्ड एग हो तो वो इस एग को अच्छे से पास कर सकती है, लेकिन अगर आपके बर्ड के पेट में दूसरा वाला अंडा हो जो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रखा है, जिसमें जो उसका शेल है वो बिल्कुल कड़क नहीं हुआ है, हार्ड शेल नहीं हुआ है, तो आपका बर्ड उस एग को कभी पास ही नहीं कर पाएगा। चाहे वो आपका छोटा सा पैरेटलेट हो या बड़े से बड़ा मकाऊ, वो दम तोड़ देगा एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। कैल्शियम की बात तो यहाँ पे है नहीं, कैल्शियम मैंने आपको बता दिया कि अगर यार कि आप 2 महीने से कैल्शियम दे रहे हो और वो भी ये वाले ब्रांड का वर्सिलागा का जो प्रोडक्ट है ना गाइस, सिर्फ यहाँ पे नहीं वर्ल्ड में सारे ब्रीडर्स यूज करते हैं, और मैं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बर्ड्स रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उनको सनलाइट बिल्कुल भी नहीं मिलती, मेरे बर्ड्स हॉल में रहते हैं। पिछला सेटअप मेरा ऐसा था कि हर एक केज में सनलाइट जाती थी, भले ही आधे घंटे के लिए जाए लेकिन जाती जरूर थी सनलाइट, तो मुझे वहां पे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे तो वहां पे ऑब्वियसली मैं ना उतना ज्यादा कैल्शियम कोई महंगा यूज भी नहीं करता था, कटल फिश बोन देता था जो कि मैं अभी देता हूँ, मिनरल ब्लॉक देता था जो कि मैं अभी देता हूँ, लेकिन कैल्शियम मतलब ग्रोवेल का मैं यूज करता था, उतना महंगा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, बट ये जो है बहुत अच्छा एक रिनाउंड ब्रांड है जिसका मैं कैल्शियम यूज कर रहा हूँ 2 महीने से। लेकिन क्योंकि सनलाइट नहीं है, यहाँ पे सनलाइट एक मेन पार्ट प्ले करती है, कि सनलाइट के बिना मैं तो आपको कहूंगा कि सनलाइट नहीं तो आपके बर्ड्स के एग्स नहीं, आपका बर्ड नहीं। सनलाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बर्ड के लिए, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड आफ्टर सीड्स वाटर एनवायरमेंट इज सनलाइट। आपको सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्यों जरूरत है मैं आपको बताता हूं। देखिए सनलाइट आपके बर्ड्स के बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को डाइजेस्ट करने के लिए। जो मैं ये कैल्शियम दे रहा हूं 2 महीने से अपने बर्ड्स को, ये उनकी बॉडी में जा तो रहा है लेकिन ये बॉडी में लग नहीं रहा। अब आप बोलेंगे यार सनलाइट 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 कर रहे हो, क्या होता क्या है सनलाइट में। तो आप देख रहे हैं ये मैंने बल्ब मंगवाया है जिसमें एक साइड कॉकटेल है, एक साइड ये मकाओ हुआ और एक साइड ये पैरेटलेट है। शायद इनको ही पता है कि पैरेटलेट्स बहुत कमजोर होते हैं और स्पेशली पैरेटलेट्स को ये लाइट की जरूरत है। तो
तो ये लाइट भी मैं रेगुलर बेसिस पे यूज करता हुआ आ रहा हूँ, 3 से 4 महीने हो गए हैं। इसमें लिखा हुआ है UVB, देख अगर आप शायद ना देख पाए, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 20 वॉट और आगे लिखा हुआ है 2.4% UVB। तो आपको पता है कि सनलाइट में बड़े सारे यूवी रेज होते हैं, उसमें से एक यूवी रे का नाम है UVB, जो कि स्पेशली आपके बर्ड के हेल्थ को एनहांस करने में हेल्प करता है, उनकी बॉडी के फेदर की शाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उनके बॉडी में जो कैल्शियम है उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है, उनको बॉडी में अब्सॉर्ब कराने में उसकी हेल्प करता है। तो क्योंकि सनलाइट नहीं थी तो भाई मैंने ये बल्ब भी मंगवाया है। मैं बल्ब दिखता कैसा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बल्ब कुछ 20 वॉट का है, ये 1400 का बल्ब आता है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है नॉर्मल एक CFL बल्ब की तरह, लेकिन इसकी रोशनी बहुत कम है। बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि UVB प्रोवाइड करता है आपके आपके बर्ड्स को, और अगर आपके पास सनलाइट नहीं आ रही है तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला था। तो मैंने खरीदा जरूर, और मैंने रिसर्च भी किया था तब भी मैंने देखा कि यूवी बल्ब जाते हैं, तो मैंने खरीद लिया। मैंने अपने सेटअप पे लगाया भी, लेकिन मुझे पता ये चला कि अगर आपके पास सेटअप है बड़ा, 10x10 का कमरा है, 10x12 का कमरा है, तो उसमें एक लाइट से काम नहीं चलेगा। ये आपसे आपके पास कम से कम 4 से 5 लाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 केज है, 1 या 2 केज है जहाँ पे आप ब्रीडिंग ले रहे हैं, और अगर आप ये बल्ब लगा दें और आपके पास सनलाइट आती भी नहीं हो, तो आपके बर्ड्स को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपके पास बहुत सारे बर्ड्स हैं, बड़े सारे केजेस हैं, एक बड़ा सा कमरा है, तो उसमें कम से कम आपको 4 लाइट तो लगानी ही लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरी गलती हुई, तो गलतियों से ही लोग सीखते हैं। तो मैं अब से क्या करूँगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगा कि ये बल्ब मंगवाऊँ, ये बल्ब एटलीस्ट मैं 3 और मंगवाऊँ, और तीनों के और चारों के चारों बल्ब अपने हर केज के आसपास लगाऊं, ताकि एक वेल लिट एनवायरमेंट रहे और इनको मेरे बर्ड्स को एम्पल अमाउंट में UVB मिलता रहे। आज मुझे इतना ही शेयर करना था, UVB क्या होता है, सनलाइट इतना इम्पोर्टेंट क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बस आप ये सारी गलती ना कीजिएगा, अपने पेट्स का ध्यान रखिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्या पता किसी और को ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो। वीडियो पे आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोज़ बनाने का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। अपना ध्यान रखिए, अपने पेट्स का खासकर ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स गाइस। हैप्पी पेटिंग, बाय बाय।